केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सीएम केजरीवाल को मिले इस समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। वही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिल जाएगी। सत्य की जीत हमेशा होती है, और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये शराब नीति मामला। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई थी। नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी की आशंका जताई। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने, मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता पर गाज गिरनी शुरू हो गई। पहले मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उनके बाद संजय सिंह भी इस मामले में जेल गए। वहीं अब सीएम केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।